बूंदी जिले में लगातार बारिश का दौर जो है अब थम चुका है, लेकिन बाढ़ बारिश से कई कॉलोनियां अभी भी जलमग्न है। हालांकि जलस्तर जरूर कम हुआ है, लेकिन बूंदी की जवाहर नगर कॉलोनी और महावीर नगर कॉलोनी के हाल भी हाल है। हम इस समय कॉलोनी में मौजूद हैं, आप देखेंगे किस तरीके से बाढ़ बारिश का पानी आप देख सकते हैं। कल जरूर यहाँ पर पानी ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे बरसात का दौर थमा है तो जो है बारिश का पानी कम हो गया है। आप घर में तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घर में जो है पानी जा चुका है, पानी कम हो गया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पानी जो है घुटने ऊपर हो गया है, क्योंकि लगातार 24 घंटे से बरसात होने के चलते यहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रशासन ने राहत बचाव कर जो है लोगों को बाहर निकाला है। हम एक मकान पर पहुंच चुके हैं, आप देखेंगे किस तरीके से घरों के अंदर मकानों के अंदर जो है पानी घुस चुका है और लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये पूरा कैंपस है जो पूरा पानी में डूबा हुआ है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो लोग हैं वो पहली मंजिल पर चले गए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर पानी ही पानी है, तो ये पूरे लोग जो है ऊपर चले गए हैं। तो ये हालात जवाहर नगर कॉलोनी के हैं और महावीर नगर कॉलोनी के इसी तरीके से हैं। अब यहाँ पर जो है प्रशासन मौके पर पहुंचा है, कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने जो है जायजा लेकर लोगों के हाल चाल जाने हैं, उनकी तकलीफ को जाना है। लोगों ने जो है एक गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाए हैं, प्रशासन पर आरोप कर दी, प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली और सीएम ने 18,000 करोड़ बूंदी के लिए पहुंचाए लोगों का साफ तौर से आज तक नहीं लगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बारिश जरूर थम गई है, लेकिन जो शहर का जवाहर नगर कॉलोनी का इलाका है, महावीर कॉलोनी का इलाका है।